डांस करेगा एक किसान होगा, हमने डांस करेगा, डांस नहीं आप लोग डांस आप लोग करके देखेगा आपको, आप वीडियो करो, ये YouTube वीडियो बन रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता वो नहीं, ऐसे ट्रक वगैरह नहीं मिलेगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो भाई मेरा कैंप आज यहाँ पे लगा था भाई, ये कार पार्किंग है भाई, और इधर थोड़ी बस्ती वगैरह है, और ये भाई नदी का किनारा भाई, अभी इसी में हम नहाने वाले हैं और थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि भाई अभी जो है पानी थोड़ा ठंडा है, आधा एक घंटा रुक जाए, थोड़ा धूप आ जाए तो पानी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, तो नहाने में सही रहेगा। तो भाई नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं भाई ईटानगर की ओर। तो भाई अभी जो है हम फ्रेश हो चुके हैं, तो अब चलते हैं भाई कुछ चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद भाई निकलते हैं क्योंकि थोड़ा से खा पी लेते हैं, हो सकता है लंबी लिफ्ट मिल जाती है तो फिर रास्ते में कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। लिफ्ट का भरोसा नहीं है, लिफ्ट का कोई किलोमीटर मिला खाओ तब मिल जाए, तो वही चीज़ है ना, अभी कहीं लंबा लिफ्ट मिल जाता है तो खाए पिए रो कुछ अच्छा रहता है। भाई अभी जो है टाइम जो हो रहा है वो 8:45 हो रहा है भाई, यहाँ का मार्केट देखो, यहाँ की भाई ये लोकल मार्केट है, सारी मार्केट पूरी बंद है भाई, दोनों तरफ देखो भाई पूरी मार्केट बंद है। तो कुछ खाने को सोच रहे थे तो भाई यहाँ पे अब देखते हैं मिलता है कुछ नहीं मिलता है। तो भाई एक लौती दुकान खुली मिली है, देखते हैं भाई यहाँ कुछ मिल जाए खाने को। हाँ हेलो भैया, कोई है नाश्ते में? नाश्ते में कुछ मिलेगा भैया? नाश्ते में पराठा मिलेगा। ये एग रोल मिल जाएगा? एग रोल नहीं है। पराठा कैसा? तिरानवे मिल जाएगा। पराठा कैसा मतलब सादा पराठा? आलू का सादा, सादा सब्जी के साथ। कितने रुपए हैं? दो पीस 50 पे दो पीस। ठीक है ठीक भैया, थैंक यू। तो भाई एग रोल तो नहीं मिल रहा था भाई, पराठा मिल रहा था। तो भाई अभी जो है हम पूड़ी का नाश्ता कर रहे हैं भाई, 40 रुपये का पूड़ी है और 4-5 पूड़ी है भाई। ढूंढ तो रहे थे भाई कुछ और पर मिल नहीं रहा भाई, यहाँ पर पूड़ी और पराठा ही मिल रहा है, तो पूड़ी से ही खा के काम चलाते हैं, थोड़ा चिकना होता है ना भाई इसलिए थोड़ा से अवॉइड करते हैं, कोई बात नहीं। कुछ ऐसा होटल है भाई? तो भाई आज तो बहुत तगड़ा नाश्ता हो गया, पूड़ी खाए उसके बाद यार गरम गरम जलेबी छान रहे थे, तुमने कहा जलेबी खा लेते हैं, 10 रुपये का था, बहुत बढ़िया था भाई, स्वाद बहुत गजब का था। तो वैसे तो भाई डेली सुबह ऐसे ही निकल जाते थे, कहो कुछ खाए कहो ऐसे ही निकल गए, पर आज तो पेट भाई एकदम फुल है। तो चलिए फिर देखते हैं भाई लिफ्ट, अभी हम हाईवे पर ही घूम रहे हैं तो यहाँ से लिफ्ट देखते हैं कहाँ तक की मिलती है। किलोमीटर 2 किलोमीटर ही बस, कोई बात नहीं आगे से हो सकता मिल जाए। हैं ठीक है, थैंक यू भैया। कभी कभी ऐसा होता ना आगे पहुंच के वहां से मिल जाता है। तो भाई अभी जो है एक लिफ्ट मिल चुकी है 2 किलोमीटर के लिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा सूरज। अच्छा अच्छा, यहीं का है लोकल? ना मैं नेपाल का हूँ, यहाँ बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, नेपाल के हैं? तो भैया नेपाल के हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो भैया ने हमें जो है 2 किलोमीटर की लिफ्ट देकर भाई छोटे से विलेज में, ऐसा है छोटा सा गांव है भाई, मार्केट टाइप का है, इसमें लाके उतार दिए भाई। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं उसके लिए फिर देखते हैं भाई लिफ्ट, क्योंकि यहाँ थोड़ा मुश्किल है, आगे बढ़ के ये जो गांव है क्रॉस करते हैं उसके बाद लिफ्ट देखते हैं। क्या हुआ है लिफ्ट ले कर? अच्छा ये आप ही का गाँव है क्या नीचे वाला? अच्छा गाँव में अंदर जा सकते हैं आंटी? अंदर गांव देख सकते हैं कैसा है? कुत्ते तो नहीं है? काटता है काटता है। ओ ईटानगर साइड यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब वीडियो ना? हाँ भारत यात्रा, भारत यात्रा। हिंदी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत? अच्छा अच्छा, यहाँ तो आपके लैंग्वेज तो क्या पढ़ते हैं आप सब यहाँ स्कूल में?
इंग्लिश हिंदी। यहाँ लिफ्ट नहीं रुकती है क्या? गाड़ियाँ नहीं रुकती यहाँ ऐसे? लोकल गाड़ी मतलब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं? अच्छा, ये लोकल लोकल वाले टैक्सी टैक्सी नहीं, टैक्सी नहीं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता वो नहीं, ऐसे ट्रक वगैरह नहीं मिलेगा आजकल? पैसेंजर गाड़ी है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, ये आप नॉन वेज बेचते हैं? नॉन वेज चिकन चिकन वगैरह? अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं लिफ्ट आ जाओ। मैं आज लग रहा भाई मेरी जो है किस्मत ख़राब है भाई, बहुत ख़राब भाई, क्या होता है कम से कम भाई एक घंटे लगभग हो गए भाई, कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा, तो थोड़ी दूर भाई आगे चल रहे हैं, सोच रहे हैं यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ रुक जाए सोच रहे थोड़ा आगे जाएं वहाँ बैठेंगे, वहाँ मिल जाएगा, आगे जाएंगे भाई, दो तीन बार कर चुके, अब तो भाई बिल्कुल बाहर ही चले जाएंगे। ये देखो पूरा भाई, ये पूरा गांव था, गांव छोड़ के बिल्कुल आगे चले जाएंगे अब। अब फिर तुम गर्मी भाई बहुत, लगभग दो घंटे काल तो नहीं, लगभग हाँ डेढ़ घंटे तो लगभग हो ही गए भाई। भाई अभी हम पहुंच चुके हैं जीरो, और भाई ये देखो ये वाला भाई रास्ता जाएगा ईटानगर सीपा, और भाई ये ऊपर वाला जो रास्ता जा रहा है ये सीधा भाई आसाम निकल जाएगा, अरुणाचल बॉर्डर आसाम पहुंच जाएगा ये। और ये है भाई कुछ ऐसा नज़ारा, यहाँ का मौसम देखो भाई कितना ख़राब हो चुका है, अभी बहुत ख़राब है भाई मौसम, अभी लग रहा है बारिश ना हो जाए, चारों तरफ बादल बादल गए, और ठंड भी लग रही भाई ठंडी यहाँ पे थोड़ा। अभी उधर थे, कहाँ पे रुके थे इसके पहले, जहाँ पे भाई रुके थे नाम नहीं याद रहा, वहाँ तो भाई गर्मी लग रही थी, धूप निकला था, और यहाँ पे देखो भाई धूप वगैरह गायब हो गई, और यहाँ पे भी थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा, बहुत ठंडी नहीं पर हल्का। भाई यार जैसा लोग बता रहे थे यहाँ पे भाई बिल्कुल वैसा ही भाई, लोग हमसे पहले रास्ते पर आ रहे थे ना, सबसे भाई बोले जिससे जिससे लिफ्ट ले बोले भाई कि हमको इधर जाना है ईटानगर की तरफ, सीपा रास्ते में सीपा पड़ता है, आगे ईटानगर पड़ता है, तो भाई जितने लोग मिले सब लोग बताए भाई ये वाले रास्ते जाओगे गाड़ी आपको बहुत कम मिलेगी, बहुत कम, आप आसाम होके जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई बिल्कुल वैसा ही हो भाई, देखो बिल्कुल पूरा भाई सन्नाटा मचा हुआ भाई, कम से कम लगभग हम हो गए आधे घंटे 45 मिनट हो गए भाई, सिर्फ एक दो कार गुजरी वो भी बिल्कुल प्राइवेट फैमिली वाले, तो भाई उनके पास तो कोई जगह ही नहीं था, और भाई कोई ना बस जा रही है ना कोई जैसे DCM वगैरह जो सामान वामान लेकर जाते हैं उन सब से लिफ्ट मिल जाती भाई, कोई एक भी गाड़ी नहीं जा रही, बस ये भाई प्राइवेट कार या फिर बाइक वगैरह जा रही, देखते हैं भाई कैसे लिफ्ट मिलता है, बहुत मुश्किल लग रहा है। तो भाई लगभग जो है डेढ़ घंटे के बाद भाई एक लिफ्ट मिल चुकी है, वो भी भाई ट्रक में, इसमें कुछ भाई सीमेंट के जो है ईंटे उटे कुछ रखे हुए हैं भाई, और कुछ ऐसा नज़ारा है, देख लो भाई ठंडी देख लो भाई कितनी, ओम ओम ओ भाई ओ देख लो भाई, चलते हैं भाई देखते हैं, 30 किलोमीटर भैया बता रहे हैं आगे छोड़ देंगे भाई, पेप्सी पी लो पेप्सी कोको कोला रखा हुआ है तो भाई अभी हमारी ट्रक रुकी हुई है एक छोटे से गांव में, कुछ देखो भाई ऐसा पूरा गांव है, छोटा सा गांव है भाई, मेरे बैग की हालत देख लो भाई, क्या हालत हो गई है दोनों बैग की भाई, इतना मिट्टी भाई उड़ रहा है इसमें, क्या बताएं। ये गांव देखो भाई छोटा सा गांव है पर बहुत मस्त लग रहा भाई, तो नीचे उतरते हैं क्या, ज़्यादा देर तक रुके तो भाई नीचे चलते हैं, थोड़ा आपको दिखाते हैं से, इधर से नहीं इधर से सुबह निकलेंगे सीपा के लिए, सीपा जाएंगे ठीक है ना, इधर चाय वगैरह मिल जाएगी, खाना वाना खाना
खाना वगैरह सब कुछ? हाँ खाना भी मिल जाएगा आपको, छाई हुई भी मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, इधर गांव का वीडियो बना सकता ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम नहीं, नहीं नहीं ठीक। आपको ये पाली जी है हमारे को ये जगह खाना जी? हाँ पाली जी। अच्छा अच्छा, पाल जी गाँव? हाँ गाँव विलेज। अच्छा अच्छा यार, कम देना, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं, वो उसमें है ना हवा लग गई, गाड़ी में है ना? हाँ गाड़ी हवा लग गई ना, ठंडी हवा उसी वजह से लग रहा है। तो भाई देखो कुछ ऐसा गांव है, आज यहीं भाई रुकने का पूरा प्लान है, क्योंकि भाई जो है लगभग टाइम जो हो चुका है वो लगभग 4 बज चुके हैं, तो आगे जाने का कोई अभी आज प्लान है नहीं, तो देखते हैं यहाँ पे चाय कहीं मिल जाए तो पहले चाय पीते हैं भाई, क्योंकि थोड़ा से ठंडा ठंडा हवा लग गया था क्योंकि ट्रक में आए थे ना इसीलिए। आंटी चाय मिल जाएगा? चाय मिल जाएगा। कितने का एक चाय? 10 रुपए। 10 रुपए एक चाय? तुम भी पियोगे मैंग? चाय पियोगे? हम तो पियेंगे एक चाय। आंटी कर दीजिए, ये यूट्यूब वीडियो बन रहा है। हाँ ब्लॉग ब्लॉग। कहाँ से आप लोग? यूपी से। यूपी से हैं? यूपी कहाँ से? लखनऊ। लखनऊ गए क्या? जी जी जी। मैं कल आती का अमित को मार दिया परसों। हाँ हाँ, उनका तो काम तमाम हो गया। सब तरफ उन्हीं का चर्चा है। भाई को भी मार दिया, बेटा को भी मार दिया। हाँ हाय हाय। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है मैक्स। मैक्स? यस। अच्छा अच्छा, और एक जगह दो। तो भाई देखो कुछ ऐसा गांव है ये, और अभी यहाँ पे भाई थोड़ा चाय पीते हैं, उसके बाद थोड़ा कैंप वैम्प का जगह देखते, फिर यार कुछ खाना भी खाएंगे। इधर अंदर बैठने की जगह नहीं है क्या? फुल है। आ जाए, बैठ जा भाई। चाय पियोगे कि नहीं? मैम नहीं, एक चाय दे दीजिए बस। तो भाई हमारा चाय आ चुका है। आंटी पूरी गिलास नहीं भरी? इतना ही मिलता है? अच्छा अच्छा ठीक है। भैया एक बिस्किट मिल जाएगा? पार्ले जी बिस्किट? पार्ले जी बिस्किट हाँ, नहीं होगा? नमकीन बिस्किट कोई भी दे दीजिए, छोटा 5 रुपए वाला, चाय खाने के लिए। हाँ नहीं होगा? कितने वाला बिस्किट है? कितने का बिस्कुट है? 10 रुपए वाला है। 10 वाला दे दीजिए, नमकीन है ना, चाय खाना है ना, तो नमकीन बिस्किट चाहिए। ये वाला देखे देखे दिखा दीजिए। अच्छा अच्छा, ये 10 रुपए का है, ठीक है दे दीजिए। अब कहाँ से है? हम आए हैं लखनऊ से। लखनऊ से? उत्तर प्रदेश। टूरिंग? हाँ टूरिस्ट है। टूरिस्ट है ना। रात में यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं कहीं पे खाली जगह पे? कैंप हाँ, तो क्योंकि आज थोड़ा रात हो गई ना, कल सुबह निकलेंगे सीपा के लिए। ठीक है, तो आज यहाँ रुक जाएंगे कहीं कैंप लगा के। अच्छा, इधर खाना वगैरह तो मिल जाएगा ना? खाना तो यहाँ होटल तो नहीं है। होटल नहीं? हाँ ये आगे नहीं, आगे मैगी वगैरह मिल जाएगा? मैगी वगैरह आगे वाला में। हाँ ये थोड़ा सामने में एक बाइक का होटल है, वहाँ मिल जाएगा खाना, वहाँ मिल जाएगा। हाँ ये थोड़ा सामने में, ये आगे इधर में। हाँ ठीक है, अभी चाय पी ले, रात में खाना खाएंगे 7-8 बजे। हम लोग डांस करेगा एक किसान होगा। हम लोग डांस करेगा? डांस नहीं, आप लोग डांस करके देखेगा आपको। आप वीडियो करो। आप करोगे डांस? हाँ। अभी नहीं नहीं, बाद में। रात में? हाँ। कितने बजे? अरे आप टाइम दिखाओ, आप हमको बुला लो, जब बताए तब हम आ जाएंगे। हमको तो वीडियो बनाना ही, यूट्यूब वीडियो बनाते है ना। हाँ आ जाओ। हाँ बता दीजिएगा, हम गाना गा के डांस करेगा ना। हाँ ठीक है ठीक है, बना लेंगे। इधर कैंप भी कर लेंगे, कैंप के लिए जगह मिल जाए इधर, कर सकते हैं ना मैदान? ये यहाँ ना, यहाँ कैंप कर सकते हैं ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी चाय पी लेते हैं फिर आते हैं।
तो भाई कैंप करने का पूरा व्यवस्था भाई हो चुका है, तो बस चाय पी लेते हैं, उसके बाद अभी देखना भाई यहाँ बहुत कुछ प्रोग्राम होने वाला है। 25, ये क्या आवाज क्या हो रहा है? 34, 34, 79, 79, नोट कर रहे हैं इसको, 11, 11, खेल रहा है, गेम, 65, पैसा लगता है, 65, 64, 64, टाइम पास, 21, 21, 19, 19, 33, 33, 29, 29, 60, 60, single number, 2, 37, 37, 56, 56, 73, 77, 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 77
अपने कलम से जो है चिन्ह लगाना है, ऐसा कुछ है भाई। 61 61 76 76 74 88 88 30 26 26 भाई यहाँ पे लोग गेम बहुत खेलते भाई, टाइम पास बहुत बढ़िया कर रहे भाई। एक लोग भाई उसमें नंबर बोल रहे, उसको भाई स्क्रैच करना है, और दूसरे लोग भाई या भाई तो इसको भाई मैं पिक्चर वगैरह में देखा था, मूवी वगैरह में भाई, रियल में तो शायद पहली बार ही देख रहा हूँ भाई। भाई यही जगह मिली है कैंप के लिए, यहीं लगाना है ना मैंक कैंप, तो भाई यहीं फिक्स हो गया है, यहीं पर आज हमारा कैंप लगेगा। ये पूरा गाँव है भाई, ऐसा कुछ गाँव है, तो अभी थोड़ा गांव आपको नीचे चलते हैं, घुमाते हैं कैसा गांव है पूरा। अभी ये नया घर बन रहा है, नया ये बॉम्बे ये चित्र है। अच्छा अच्छा, इसके ऊपर कुछ और लगाते हैं और कुछ नहीं लगाया, ये क्या होटल बनना है। तो भाई ये नया घर अभी बन रहा है, पूरे बांस का घर है, इसको हमारे तरफ वो बोलते हैं बांस, आप क्या बोलते हो? हम लोग बम्बू ही बोलते हैं, बम्बू, हमारे तरफ बांस बोलते हैं इसको। ऊपर जो चर्च और स्कूल है वो कितना टाइम लगेगा जाने में, अगर घूमना चाहे अभी जाके? तो 5-6 महीने का है, 5-6 मिनट में पहुंच जाएंगे। जाए घूमाए तब, तभी अभी दिन है, अभी आए वो, चल आओ मैंक, फिर चले ऊपर चर्च घूमने। तो भाई ऊपर एक चर्च और स्कूल कुछ बता रहे हैं ऊपर है, तो चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं, देखते हैं कैसा है। और तो भाई अभी जो है इस गांव में बारिश हो गई भाई, अभी देखो यार कैंप लगाने ही जा रहे थे, जैसे भाई बारिश होने लगी, देखो अभी फिलहाल यहां अंदर हैं, देखते हैं अगर ज़्यादा बारिश होगी तो। भैया ने कहा ये एक बेड पड़ा हुआ है भाई, इसी पर सो जाएंगे, नहीं तो एक लोग इस पर सो जाएंगे, एक लोग साइड में कैंप लगा लेंगे। अभी तो भाई फिलहाल यहाँ बारिश देखो भाई, अरुणाचल प्रदेश की भाई पहली बारिश देखने को यहाँ पर मिल चुकी है। वैसे आज का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, रास्ते में भी आपने देखा था, देखो अभी भी बहुत ख़राब है भाई, हमको लग रहा है आज रात भर बारिश होगी। टाइम ने तो भाई काफ़ी देर बारिश होने के बाद भाई अभी बारिश रुकी है, तो चले भाई कुछ खा पी आते हैं, उसके बाद फिर टेंट लगा के सो जाते हैं, क्योंकि भाई शाम बिल्कुल हो चुकी है। देखो भाई कुछ ऐसा है, अभी बारिश थोड़ी देर के लिए भाई रुकी हुई है, खाना खा लेते हैं उसके बाद भाई टेंट लगा के सो जाते हैं। मैगी एक कर दीजिए, एक प्लेट मैगी, कितने का है मैगी? एक ना, तुम भी खाओगे ना? दो प्लेट कर दीजिए मैगी, ठीक है। तो भाई हमारी मैगी आ चुकी है भाई, ये 20 रुपए की मैगी है भाई, यहाँ पे भाई मैगी सस्ती है, और कहीं पे भेजाओ भाई 20 रुपए की मैगी भाई, हमको बहुत कम ही जगह मिली भाई।
अभी उत्तराखंड जब गए थे भाई उधर केदारनाथ की तरफ भाई 60-60 रुपए की मैगी मिल रही थी। फिलहाल यहाँ पे भाई एक ही चीज़ मुझे सस्ती लगी वो है मैगी, तो दोनों लोग भाई मैगी खा रहे हैं। बारिश फिर से भाई स्टार्ट हो गई, बहुत तेज़ से बारिश भाई स्टार्ट हो गई। अभी देखते हैं भाई, क्योंकि आप मैदान में तो भाई कैंपिंग कर नहीं पाएंगे, कैंपिंग करना पड़ेगा कहीं भाई टीन वगैरह के नीचे ही करना पड़ेगा। बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। तो भाई यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो भाई ग्राउंड में तो आपको पहले ही बता दिया भाई कि ग्राउंड में तो कैंपिंग नहीं हो पाएगी, तो भाई यहाँ पे लगाएं कैंपिंग। कुछ देखो भाई ऐसा लगा हुआ है भाई, ये मंदिर है शंकर जी का मंदिर है, तो भाई यहाँ पे हम कैंप लगा लिए हैं। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय।